इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपको डेंटल इम्प्लांट प्राप्त करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। आपने अपने मौखिक स्वास्थ्य के लिए एक शानदार निवेश किया है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। सही देखभाल ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके इम्प्लांट जीवन भर टिके। आज मैं आपके साथ कुछ विशेषज्ञ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप अपने नए दांतों के साथ लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर चैताली। आज हम डेंटल टॉक में डेंटल इम्प्लांट के बाद देखभाल पर बात करने वाले हैं। इम्प्लांट खोए हुए दांतों के लिए एक अविश्वसनीय समाधान है, लेकिन इन्हें विशेष देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में मैं आपको आपके इम्प्लांट्स को बनाए रखने और उन्हें वर्षों तक स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में बताऊंगी। हम सर्जरी के तुरंत बाद की देखभाल से लेकर आपके दीर्घकालीन दैनिक मौखिक स्वच्छता दिनचर्या तक सब कुछ कवर करेंगे। मैं नियमित चेकअप और प्रोफेशनल क्लीनिंग के महत्व पर भी चर्चा करूंगी। अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके डेंटल इम्प्लांट को अच्छी स्थिति में कैसे रखें। चलो शुरुआत करते हैं प्रारंभिक रिकवरी अवधि से। इम्प्लांट सर्जरी के बाद कुछ असुविधा और सूजन का अनुभव होना सामान्य है, लेकिन चिंता न करें, ये सब हीलिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके डेंटिस्ट संभवतः ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयाँ और बर्फ से सिकाई की सिफारिश करेंगे, ताकि किसी भी असुविधा को प्रबंधित किया जा सके। इस समय के दौरान आपके मौखिक स्वच्छता के साथ कोमल रहे। पहले कुछ दिनों के लिए इम्प्लांट साइट के चारों ओर सीधे ब्रश न करें और सॉफ्ट फूड डाइट पर रहें। एक बार प्रारंभिक हीलिंग हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपनी सामान्य ब्रशिंग और फ्लॉसिंग दिनचर्या फिर से शुरू कर सकते हैं। इम्प्लांट क्षेत्र के चारों ओर अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए उन कठिन से पहुंचने वाले क्षेत्रों को साफ करने के लिए फ्लॉस थ्रेड या फिर इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग करें, और संक्रमण के जोखिम को और कम करने के लिए एक एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश से कुल्ला करना न भूलें। यहाँ तक कि डेंटल इम्प्लांट के साथ नियमित रूप से पेशेवर सफाई और परीक्षण के लिए आपके डेंटिस्ट के पास जाना महत्वपूर्ण है। आपके डेंटिस्ट आपके इम्प्लांट की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और आपके मसूड़ों की स्थिति की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। ये नियमित चेकअप किसी भी संभावित समस्याओं का जल्दी पता लगाने की अनुमति देते हैं, जिससे त्वरित उपचार और कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। फिर धूम्रपान तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि वे हीलिंग प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और इम्प्लांट विफलता के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बर्फ या फिर पेन जैसी कठोर वस्तुओं को चबाने से बचें, क्योंकि इससे आपके इम्प्लांट या फिर आसपास के प्राकृतिक दांतों को नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे खेल या फिर गतिविधियों में भाग लेने जा रहे हैं जहां डेंटल ट्रॉमा के जोखिम है, तो संभावित क्षति या फिर अपने डेंटल इम्प्लांट और प्राकृतिक दांतों को बचाने के लिए माउथ गार्ड पहनना आवश्यक है। याद रहे, रोकथाम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप अपने इम्प्लांट की दीर्घकालीन देखभाल में आगे बढ़ते हैं, निरंतरता महत्वपूर्ण है। अपने दांतों और इम्प्लांट को दिन में कम से कम दो बार ब्रश करें और फ्लॉस करें। एक सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश इस्तेमाल करें और कोमल रहे। अपने मसूड़ों के उत्तिकाओं को परेशानी न दें। इंटरडेंटल क्लीनिंग जैसे फ्लॉस और पिक्स भी इम्प्लांट के चारों ओर के लिए क्षेत्र को साफ करने में मदद कर सकते हैं। नियमित डेंटल चेकअप और पेशेवर सफाई भी महत्वपूर्ण है। आपके डेंटिस्ट और हाइजीनिस्ट आपके इम्प्लांट और आसपास के उत्तिकाओं के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकेंगे और किसी भी संभावित समस्या का जल्दी पता लगा सकेंगे। वे आपकी अनूठी आवश्यकताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई तकनीक और उत्पादनों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं। याद रहे, डेंटल इम्प्लांट एक जीवन भर का निवेश है, इसलिए उसकी अच्छी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास कोई प्रश्न या फिर चिंता है, तो आपके डेंटिस्ट से संपर्क करें। वे आपको वर्षों तक स्वस्थ सुंदर मुस्कान बनाए रखने में मदद करने के लिए है। डेंटल टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मौखिक स्वास्थ्य पर अधिक विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं मिलूंगी अगले वीडियो में।